नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं मैथ्स मैजिक ट्रिक, आज हम मैथ्स के कुछ ट्रिक्स हैं उस पर बात करेंगे। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं कुछ मल्टीप्लीकेशंस हैं, इसको अगर हम पेन एंड पेपर में बनाएं तो कुछ ज़्यादा समय लगेगा, और इसे हम विदाउट पेन एंड पेपर कैसे बना सकते हैं और कुछ सेकेंड्स में ही कैसे बना सकते हैं, चलिए हम आज देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि लास्ट डिजिट क्या है, 5 है, ठीक है। तो 5 × 5 कितना हो जाएगा, 25। उसके बाद का डिजिट जो रहेगा उसका ऊपर वाला डिजिट को एक डिजिट बढ़ा के सोचिएगा, 1 है, दैट मीन्स 2 सोचते हैं हम लोग। तो 1 × 2 जा कितना होगा, 2, दैट मीन्स 2 × 2 = 5, 225, 15 का। इसके बाद अगला डिजिट को देखते हैं, इधर 5 × 5 जा 25, 2 है, एक डिजिट बढ़ा के सोचेंगे कितना होगा, 3, 2 × 3 जा 6। फिर नेक्स्ट देखते हैं, 5 × 5 जा 25, एक डिजिट बढ़ा के सोचिए, 4, 3 × 4 जा 12। अगला देखिए, 5 × 5 जा 25, एक डिजिट बढ़ा के सोचिए, 5, 4 × 5 जा 20, 5 × 5 जा 25, एक डिजिट बढ़ा के सोचिए, 6, 5 × 6 जा 30। अगला देखते हैं, 5 × 5 जा 25, एक डिजिट बढ़ा के सोचिए, 7, 6 × 7 जा 42, ठीक है। 5 × 5 जा 25, एक डिजिट बढ़ा के सोचिए, 8, 8 × 7 जा 56, 5 × 5 जा 25, एक डिजिट बढ़ा के सोचेंगे, 9, 9 × 8 जा 72, 5 × 5 जा 25, एक डिजिट बढ़ा के सोचते हैं हम लोग, 10, यानी 9 × 10 जा 90। तो देखें दोस्तों, ये कुछ कैलकुलेशंस हैं जो दो डिजिट के मल्टीप्लीकेशंस हैं इस टाइप के, इसे हम विदाउट पेन एंड पेपर कुछ सेकंड्स में ही इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आज का ये टॉपिक आप सभी को अच्छा लगा होगा, इसे एक बार आप भी प्रैक्टिस करिएगा और एक बार विदाउट पेन एंड पेपर, ठीक है, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, देखिएगा आप कितना क्विक इसके आंसर्स दे सकते हैं। ऐसे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। आशा करता हूँ कि आपको ये आज का सेशन अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।